स्टूडेंट्स वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई अंचल सर पे। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक दूसरा वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बायोलॉजिकल वर्ड्स के बारे में, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है और उनके क्या मीनिंग निकलते हैं। मीनिंग का सेंस क्या है ये आप देखेंगे, पहला वर्ड तो आपको समझ में आएगा, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये पार्ट टू है, पहला पार्ट हमने लेके आया था, आप देखेंगे टाइमलाइन में मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ पहला वर्ड आ रहा है, देखते हैं हम यहाँ पे हेपैटिक। हेपैटिक टर्म जो होता है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट टू हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हेपैटिक टर्म की बात करेंगे। हेपैटिक टर्म क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, हेपैटिकोस से लिया गया है। और इस हेपैटिकोस में एक वर्ड आता है क्या, हेपैट, और हेपैट का मतलब क्या होता है, लीवर। तो जब जब आप देखेंगे हेपैटिक, तो हिपैटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, लीवर। इसे आप भूलेंगे आप नहीं। जैसे हिपैटोसाइट्स, ये भी क्या है, हिपैटोसाइट का मतलब क्या, लीवर की सेल। तो हिपैटिक वर्ड पूरे के पूरे बायोलॉजी में क्या सेंस निकल रहा है, यहाँ पे लीवर के बारे में बता रहा है। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हम नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डायफ्राम। डायफ्राम की बात करेंगे, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मिल जाएगा ये वर्ड, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये वर्ड प्रेजेंट है। हम देखेंगे ये वर्ड है किससे आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें डाया का मतलब है थ्रू या अपार्ट और फ्रेम का मतलब है एफेंस। एफेंस की बात करें इसका मतलब क्या होता है, एक बैरियर, एक रेलिंग या कोई भी अपराइट स्ट्रक्चर जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ये इसोफेगस का जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ऐसे इंटर करने का काम करता है। ये स्टमक का लास्ट पार्ट दिखाई दिया, तो ये जो एक बैरियर है, एक रेलिंग है, इसे क्या कह रहे हैं हम, डायफ्रेम कह रहे हैं। तो आपको दिखाई दिया मतलब, डायफ्रेम का मतलब क्या, थ्रू एफेंस, जिसके थ्रू एक बैरियर है या एक बोल सकते हैं रेलिंग है, उसे क्या करें, डायफ्रेम करें। अगला वर्ड आ रहा है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो गॉल लीवर से जो डक्ट गॉल ब्लैडर के अंदर जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक का मतलब की बात करते हैं, सिस्टिक जो है एक लैटिन वर्ड है, सिस्टिस, उसका मतलब होता है सिस्ट। और सिस्ट का क्या मतलब होता है, यहां दिखाई दे रहा आपको, यहां पे एक थिन वॉल हॉलो ऑर्गन या कैविटी या ट्यूब जो एनिमल या प्लांट के अंदर पाई जा रही है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड क्या होता है, प्रेजेंट होता है उसके सैक के अंदर, उसके वेस्किल के अंदर या ब्लैडर के अंदर। तो सिस्टिक डक क्या है, यहाँ एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, इसलिए इस वर्ड से लिख के आया यहाँ पे क्या, सिस्टिक। तो इसे आप याद रखेंगे, सिस्टिक का मतलब क्या, एक ऐसी डक्ट, एक ऐसा छोटा सा वेस्किल जिसमें क्या है, यहाँ पे लिक्विड क्या है, प्रेजेंट है। विली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने का काम करता है। विलस उसका एक सिंगुलर पार्ट है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका ये लैटिन वर्ड ही है, विलस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, सैगी हेयर। सैगी हेयर का मतलब क्या, एक छोटा सा काफ़ी पतला सा हेयर जो काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी स्लेंडर है, इसलिए इसका नाम रखा गया विलस। विलस का स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटे से पतले हेयर की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, विलस कह रहे हैं। तो विलस जब भी वर्ड आएगा पढ़ते समय आप ध्यान रखेंगे क्या, कि विलस का सेंस क्या है, एक लॉन्ग स्लेंडर हेयर है, इसलिए नाम रखा गया इसका विलस, जिसकी ओरिजिन क्या है, लैटिन वर्ड से ली गई है। विलस के अंदर ही अगर देखा जाए तो एक वेसल है, जिसे क्या कह रहे हैं, लिम्फैटिक वेसल, और इस लिम्फैटिक वेसल्स को हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। तो लैक्टियल टर्म का मतलब क्या होता हम देखेंगे, लैक्टियल टर्म आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है, जिसका नेम होता है क्या, लैक्टियस। और इस लैक्टियस में अगर बात करें लैक की, तो लैक देखिए यहां पर लैक का मतलब क्या होता है, मिल्क, मिल्क के जैसा। तो इस जो लिम्फैटिक वेसल जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, लिम्फैटिक वेसल जो दिखाई दे रही है, इसका जो कलर क्या है, लिटिल बिट क्या है, मिल्क से मैच करता रहता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, कि मिल्क के जैसा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैक्टियल, आप भूलेंगे नहीं। तो लैक्टियल का मतलब क्या, एक लिम्फैटिक वेसल है लेकिन इसका
कलर जो है वो मिल्क से मैच कर रहा है, और मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज है, इसीलिए नाम रखा गया यहाँ पे, मिल्क से रिलेटेड नाम दिया गया इसका यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हम यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में या स्टमक के ऊपर जो आउटर लेयर प्रेजेंट है, इसे क्या कहते हैं हम, सेरोसा कहते हैं या सेरस कहते हैं। सेरोसा क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर बात करें सेरस का मतलब क्या होता है, तो सेरस का मतलब देखिए यहाँ लैटिन टर्म है, लैटिन में सेरोसिस का मतलब क्या होता है, सीरम। और सीरम क्या है, एक लिक्विड मटेरियल है, और यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है यहाँ पे क्या, वाटरी। वाटरी कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि ये सीरस जो मेम्ब्रेन है अपने सराउंडिंग में लिक्विड रखी रहती है। जब जब यहाँ ये बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, ये अपने सराउंडिंग में लिक्विड रखी हुई है, तो सीरस का मतलब ही क्या हो गया, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अगल बगल क्या हो, लिक्विड प्रेजेंट हो, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इस लेयर को क्या कहते हैं हम, सीरस कहते हैं। तो भूलना नहीं आपको यहाँ पे सीरस का मतलब क्या, सीरम। सीरम का सेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, वाटरी से आ रहा है। आगे हम बात करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ड्यूडनम के पास प्रेजेंट है एक ऑर्गन जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, जो से इसके अंदर से दो सिक्रीशन होता है, एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। ये पैंक्रियाज की अगर बात करें हम, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका जिसको जिस वर्ड को कहते हैं हम क्या, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कह रहे हैं इसको। और इसमें पैन का मतलब क्या है, ऑल, और क्रियास का मतलब क्या है, फ्लैश। ये कहा गया ये जो पूरा का पूरा पैंक्रियाज है इसके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है इसको यहाँ पे क्या, ऑल फ्लैश, पूरा का पूरा फ्लैश है, इसीलिए इसका नाम दिया गया यहाँ पे क्या, पैंक्रियाज रखा गया। पूरा का पूरा फ्लैश है, इसके अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट है, कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पैंक्रियाज, मतलब पूरा का पूरा बॉडी बनी है, फ्लैश से बनी हुई है, इसलिए रखा गया उसको पैंक्रियाज नाम रखा गया। आगे बात करते हैं फूड का जो मूवमेंट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, एक वेव लाइक मोशन के थ्रू होता है, और इस वेव लाइक मोशन को क्या कहते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कह रहे हैं इसे हम यहाँ पे, देखेंगे आप यहाँ पे। अब ये पेरिस्टाल्सिस एक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन हुई है। ग्रीक वर्ड में एक वर्ड है पेरिस्टालियन जिसका मतलब होता है रैप अराउंड। रैप अराउंड का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो वेव लाइक मोशन है ये एलिमेंट्री कैनाल के अराउंडिंग होता है, इसीलिए नाम रखा गया। पेरी का मतलब देखिए यहाँ पे, इसमें पेरी आ रहा है यहाँ पे अराउंड, और स्टेलियन का मतलब क्या है, टू प्लेस, जहाँ पे ये पूरी की पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है इसी के सराउंडिंग में वेव लाइक मोशन हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलने से हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, एलिमेंट्री के सराउंडिंग में हो रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको हम पेरिस्टाल्सिस बोल रहे हैं। अगला वर्ड आया बकल कैविटी। अगर हम अपने फूड की बात करें, फूड इंटेक करते हैं तो कहां रखते हैं हम, ओरल कैविटी या बकल कैविटी में रखते हैं। तो बकल का जो सेंस है, वो बकल वर्ड किस कहां से आया है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है बका। बका एक वर्ड है लैटिन में, और उस बका का मीनिंग क्या निकल रहा है, चिक। चिक का जो एरिया है, ये चिक का जो एरिया है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको हम बकल कैविटी कह रहे हैं। चिक का एरिया इज कॉल्ड द बकल कैविटी। तो बका मतलब बकल कहां से सेंस आया यहां पे, तो बका वर्ड से आया, और बका का सेंस क्या निकल रहा है यहां पे, चिक निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं उसका नाम दिया गया यहां पे सकस एंटेरिकस। ये दोनों वर्ड क्या हैं, ये लैटिन से डिराइव किए गए हैं। सकस भी क्या वर्ड है, लैटिन का वर्ड है, एंटेरिकस भी क्या है, ये लैटिन का ही वर्ड है। अगर देखा जाए तो लैटिन में हम जो लैटिन वर्ड सकस है, इसका सेंस क्या निकल रहा है यहाँ पे, जूस। क्या सेंस है यहाँ पे, जूस। और एंटेरिकस का मीनिंग क्या होता है लैटिन में, इंटेस्टाइन। तो कह सकते हैं इसको यहाँ पे कि इंटेस्टाइन का जूस है, इसीलिए नाम हमने दे दिया, पूरा का पूरा लैटिन वर्ड लिख दिया वहां पे हमने अपने बुक में, एनसीईआरटी ने लिख दिया, इट्स कॉल्ड द सकस एंटेरिकस कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यहां पे जो बाइल है उसका फॉर्मेशन जो है वो जो लीवर में आता है फॉर्म होके, उसे कहते हैं बिली रूबिन कहते हैं, बिली रूबिन कह रहे हैं यहां पे, बिली रूबिन से ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। और लैटिन में एक वर्ड आता है बिलिस, बिलिस से लिया गया है यहां पे बाइल, और रूबर से लिया गया है, कहा जाए तो यहां पे रूबिन लिखा है,
तो रूबर का मतलब क्या है, रेड, और यहां पे रेड के जैसा है। रेड क्यों कहा गया, तो अगर कहा जाए कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, इसके अंदर दो है, अगर हम अमेरिकन में लिखें तो HEME होगा, अगर हम ब्रिटिश में लिखें तो HAEM होगा, ये ब्रिटिश में होगा। ये हीम जो है ये आयरन पार्ट वाला पिगमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कलर क्या होता है इन दोनों का, अगर कहा जाए तो रेड कलर होता है, इसलिए नाम रखा गया यहाँ पे। ये जो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन है इसी हीमोग्लोबिन के इस हीम वाले पार्ट से हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका नाम रखा गया बिलिरुबिन रखा गया, क्योंकि इसका रुबिन का मतलब यहाँ पे क्या है, रूबर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, रेड होता है, और रेड सेंस कहाँ से आया, इस हीम से आया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन का रेड पार्ट कह रहे हैं। अगला वर्ड है काइम, ये ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे आप, काइम, और ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड का देखिए यहाँ पे खुमूस नाम दिया जा रहा है, और खुमूस का जो सेंस निकलता है वो क्या होता है, जूस निकलता है। तो जो हमारे स्टमक के अंदर जो सेमी सॉलिड फ्लूइड क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, जो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, एक जूस की फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टमक के एंजाइम्स हैं, HCL है, वाटर है, फूड है, सारा का सारा यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए पूरा का पूरा कंबाइन मिक्सचर है, और ये ग्लू की तरह लगता है, इसलिए क्या कह रहे हैं, जूस कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, काइम कह रहे हैं। और जैसे ही ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इसे हम क्या कहेंगे, काइल कहने लगेंगे, CHYLE, काइल बोलेंगे इसे हम यहाँ पे। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, काइम का मतलब क्या है, जूस से यहाँ रिलेटेड है। यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आया, ये लीवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये डायजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वर्ड आया क्या, जैंडिस। जैंडिस क्या है, एक प्रॉब्लम है, हम देखेंगे यहाँ पे हम लोग। ये वर्ड आया है एक फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, जैनिस। जैनिस का मतलब क्या, येलोनेस। अगर आपकी बॉडी, अगर आपके बॉडी के अंदर येलो कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है, येलो कलर ज़्यादा हो रहा है, पिगमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कहेंगे, येलोनेस। और इस जैनिस से एक वर्ड आया क्या, जान। जान का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, येलो दिखाई दिया यहाँ पे। तो जैंडिस वर्ड का मतलब क्या हो गया, जैंडिस मैंने क्या, यहाँ पे जैन का मतलब क्या हो गया, येलोइश, येलो दिखाई दिया आपको यहाँ पे, तो येलो कलर की जो बॉडी हो गई, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको जॉइंटिस कह रहे हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है डायरिया। डायरिया, डायरिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड को देखते हैं यहाँ पे हम लोग, डायरिया। डायरिया यहाँ देखिए स्पेलिंग देखिए, और यहाँ देखिए स्पेलिंग, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। डायरिया, इस डायरिया की बात करें, इससे एक वर्ड निकला डायरियन, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो थ्रू, पूरा का पूरा फ्लो थ्रू हो रहा है यहाँ पे। और डाइया का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, थ्रू, और रियन का मतलब क्या हो गया, टू फ्लो, जिसके अंदर लगातार लूज मोशन टाइप का फ्लो बना रहे, इसलिए क्या कहते हैं, इसको डायरिया कहते हैं। डायरिया में वाटर कंटेंट क्या होता है, बॉडी से काफ़ी लो हो जाता है, इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर हो जाता है। ये है, ये जो वर्ड्स हैं, अगर आप इन्हें, इनके मीनिंग को, आप रियल मीनिंग को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पूरे के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वर्ड कहाँ से आए थे, कहाँ पे रखे गए हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो लेके आया था, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बेस्ड था, नया वीडियो जल्दी आपके साथ आएगा, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बेस्ड होगा। तो आप देखते रहें, बने रहें मेरे साथ बायोलॉजी बाई अंचल सर पे, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।